ये मिनी मलाई काजू कुल्फी बड़ी बड़ी आइसक्रीम की छुट्टी करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ज़बरदस्त सी मिनी मलाई काजू कुल्फी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मिनी मलाई काजू कुल्फी बन के तैयार हो गई है। यकीन माने एक बार बनाएंगे, बार बार मेरी रेसिपी देख के बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त सी मलाई काजू कुल्फी की रेसिपी लेके आए हैं, बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी मिनी मलाई काजू कुल्फी की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ज़बरदस्त सी मलाई काजू कुल्फी की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की बनती है। तो मलाई काजू कुल्फी बनाने के लिए मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया, फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। सबसे पहले पैन के अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी को आपने इस तरह पैन के अंदर फैला देना है और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। चीनी को बिल्कुल आपने चलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे चीनी कैरमलाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो देखिए चीनी कैरमलाइज होनी शुरू हो गई है। अब आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स और चीनी को आपने कैरमलाइज कर लेना है। इस तरह आपने मिक्स करते जाना है और चीनी को कैरमलाइज कर लेना है। तो ये देखिए चीनी हमारी कैरमलाइज हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं चीनी को जलाना। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 लीटर दूध। 1/2 लीटर दूध मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। जैसे आप दूध शामिल करेंगे चीनी बिल्कुल जम जाएगी जो हमने कैरमलाइज की है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ही दूध के अंदर उबाल आएगा तो चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए 1/2 कप मैंने दूध लिया है। दूध के अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर और इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे दूसरी तरफ। तो दूध को भी उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1/2 कप स्वीट कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास स्वीट कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप 1/2 कप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन कंडेंस मिल्क से बहुत ज़बरदस्त सा कुल्फी का फ्लेवर आएगा। कंडेंस मिल्क शामिल करने के बाद आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स, और मिक्स करने के बाद जो हमने दूध और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके रखा हुआ था वो आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है और इसको पकाते जाना है। जैसे वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ इस तरह आपने इसको मिक्स करना है और कॉर्नफ्लावर और दूध को शामिल करना है इसके अंदर। तो देखिए मिक्स कर दिया है। बस आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। तो देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पका लिया है। अब कर रहे हैं इसकी फ्लेम बंद। फ्लेम बंद करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 कप क्रीम। क्रीम शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 कप काजू। काजू मैंने लिए थे 1/2 कप, इनको मैंने कूट लिया था और कूटने के बाद थोड़ा सा मैंने दरदरा इनको रखा है। कूटे हुए काजू का बहुत ज़बरदस्त सा कुल्फी के अंदर फ्लेवर आता है, पाउडर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने काजू को और क्रीम को दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स करना है। फ्लेम बंद है, फ्लेम बंद करके आपने क्रीम शामिल करनी है वरना आपकी क्रीम फट जाएगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। तो अब कुल्फी के मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तो फिर इसको शामिल करेंगे कप के अंदर। तो देखिए डिस्पोजल कप ले लिए मैंने हसब ज़रूरत। ईज़िली आपको मार्केट से छोटे बड़े मिल जाते हैं, आप ईज़िली ले सकते हैं इनको। तो देखिए इस तरह आपने कुल्फी के मिक्सचर को इस कप के अंदर शामिल करते जाना है। ये देखिए एक मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह आपने सारा कुल्फी के मिक्सचर को कप के अंदर शामिल करना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये कुल्फी हमारी तैयार होगी। तो इस तरह आपने फॉइल से इसको कवर कर देना है अच्छी तरह। फॉइल से कवर करने के बाद नाइफ़ से इस तरह आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपने इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक लगा देनी है। तो देखिए सारे मैंने कप को तैयार कर लिया है, कुल्फी हमारी तैयार हो गई है। तो अब आपने इनको डीप फ्रीज़र के अंदर रख देना है पूरी रात के लिए, बहुत ज़बरदस्त सी सेट हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। देखिए पूरी रात के लिए मैंने इनको फ्रीज़र के अंदर रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी मलाई काजू कुल्फी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए ईजिली निकल आती है और इसके अंदर कोई क्रिस्टल्स नहीं बनते। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मलाई काजू कुल्फी बनके तैयार हो गई है। बर्फ़ के ऊपर आप जब भी कुल्फी बनाएं तो उसको निकालें। तो ये देखिए इस तरह आपने फॉइल को निकालना है। फॉइल निकालने के बाद हाथ से अच्छी तरह कुल्फी को आपने मसलना है।
मसलने के बाद इस तरह स्टिक को घुमाएंगे और इजीली कुल्फी हमारी बाहर आ जाती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मलाई काजू कुल्फी बन के तैयार हो गई है। ज़रूर बनाइएगा, यकीन माने बहुत मज़े की ये कुल्फ़ी बनी थी और इसके अंदर कोई कस्टर्ड नहीं बनते। मैं आपको खा के दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी क्रीमी कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी मलाई कुल्फ़ी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मलाई कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है। आज से आपको मलाई कुल्फ़ी लेने की बाज़ार से कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे बनाएं। बहुत ही आसान तरीका मैंने इस वीडियो में बताया, बगैर स्किप किए आपने पूरी वीडियो देखनी है। कोई इसके अंदर क्रिस्टलाइज नहीं बनते, बहुत ही मज़ेदार मलाई कुल्फ़ी घर पर बन जाती है। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी मलाई कुल्फी की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इस कुल्फी को बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो पैन मैंने चूल्हे को रख दिया, फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। आधा कप शामिल करेंगे पैन के अंदर चीनी। अब आपने फ्लेम स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने चीनी को कैरमलाइज करना है। देखें आपने चीनी बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो गई है। स्लो फ्लेम के ऊपर आपने चीनी को कैरमलाइज कर लेना है। चीनी को हमने कैरमलाइज कर ली है, अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं दूध 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क 1 लीटर मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। अब आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि दूध हमारा बिल्कुल 1/2 लीटर नहीं रह जाता। 1 लीटर हमने दूध लिया है, इसको इतना पकाना है ये आधा रह जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने दूध को 15 मिनट के लिए पका लिया। देखिए कितना जबरदस्त इसका कलर आ गया, जो हमने चीनी को कैरमलाइज किया था उसकी वजह से। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं आधा कप मिल्क पाउडर, अगर आपके पास खोया है तो वो भी शामिल कर सकते हैं आधा कप। मिक्स करते हैं। मिल्क पाउडर डाल के मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं आधा कप चॉप राइस, बादाम और काजू। देखें आपने कितनी मजे की बनती है ये कुल्फी, और बहुत ही सिंपल तरीके से। बस मैंने इसकी फ्लेम बंद कर दी है। अब मैंने इस तरह कुल्फी वाले सांचे ले लिए हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं मार्केट से। इसके अंदर शामिल कर देंगे कुल्फी का बैटर। और इसको बंद कर देंगे इस तरह। जी देखिए कुल्फी के बैटर को हमने मोल के अंदर शामिल कर दिया है। 4 कुल्फी हमने बना के तैयार कर ली है और थोड़ा सा बैटर बच गया था तो वो मैंने छोटे कप के अंदर शामिल कर दिया। इसको ऊपर से मैं कवर करूंगा फॉइल से। आपने इसको ऐसे नहीं फ्रीज करना वरना क्रिस्टलाइज हो जाएगी आपकी कुल्फी। आपने इनको ऊपर से कवर करके तो रख देने फ्रीजर के अंदर। अब इनको रख देते हैं फ्रीजर के अंदर 5 से 6 घंटे में बहुत ही जबरदस्त सी कुल्फी आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह 5 से 6 घंटे बाद। इनको रख देती है डीप फ्रीजर के अंदर। जी देखिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं। 5 से 6 घंटे के लिए हमने मलाई कुल्फी को डीप फ्रीजर के अंदर रख दिया था। कप वाली कुल्फी भी बन के तैयार हो गई है, जो हमने ग्लास के अंदर निकाली थी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मलाई कुल्फी बन के तैयार हो गई है। बर्फ़ के ऊपर हमने इसको निकाला है ताकि जल्दी से मेल्ट ना हो। ज़रूर इस पर ट्रे कीजिएगा। और देखिए जो हमने छोटे ग्लास के अंदर निकाली थी वो भी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई है। यकीन माने कोई इसके अंदर बर्फ़ वगैरह नहीं बनेगी। ज़रूर इस पर ट्रे कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। तो
प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दो हम याद रखें, मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़।